हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ कानपुर की रोडों पे। आज फिर आज मेरा दूसरा दिन है कानपुर में, और भाई अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो सत्यम भाई आ चुके हैं, तो मैं और सत्यम भाई दोनों लोग जा रहे हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं है कहाँ पे पहुँचे, अभी केवल निकल पड़े हैं और रूम से आ गया था मैं यहाँ पे खड़ा, तो भैया ने मेरे को यहीं से पिक कर लिया है और अब जा रहे हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं कहाँ पहुँचेंगे, तो जब जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ का मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बस अभी केवल निकल पड़े हैं, तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। भाई कानपुर की गलियों में घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके हैं जेड स्क्वायर मॉल में, और अपनी बाइक भी लगा दी है पार्किंग में। तो अभी पार्किंग एरिया में ही हैं, टोकन कटवाया, टोकन कटवा के भाई बाइक को पार्किंग में लगा दिया, तो बाइक अपनी इधर खड़ी हुई है। और अभी जा रहे हैं ऊपर और पूरा मॉल घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएँ क्या करें, तो घूमते घूमते डाला मैप पे तो कि जेड स्क्वायर मॉल चलते हैं, जेड स्क्वायर मॉल निकल आए। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर घूमते चल के आप लोगों को दिखाते हैं, पूरा फुल एंजॉय करेंगे, फुल मस्ती होगी, पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। भाई फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे आके भाई ये देखो कितना बेस्ट बनाया गया है भाई, ये नेचर पे बनाया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस साइड पे कुछ ऐसा स्टार वगैरह हैं, मैं आप लोगों को ठीक से दिखाता हूँ और फिर पूरा मॉल घूमते हैं आप लोगों को दिखाते चलते हैं। बाकी ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा भाई, ये किसी ना किसी थीम पे बनता है, आज ये नेचर पे बना हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देख लो भाई, कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है, आगे बटरफ्लाई, और ये देखो तो ये थीम कुछ ऐसी है, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे देखो। और ये है पूरा फर्स्ट फ्लोर, जो है फर्स्ट फ्लोर का कुछ इस टाइप का है। और अभी ऊपर तक चलेंगे, ऊपर तक पूरा आप लोगों को घुमा के लाएंगे वहाँ तक, ठीक है। तो पूरा घूमेंगे, अभी इधर भी घूमेंगे और सब जगह पे देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है, पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। भाई ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, फुल लाइटिंग से बना हुआ है, फुल लाइट है इसमें, पूरा लाइट से ही बनाया गया है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पोलर बियर बैठा हुआ है और आगे हॉर्स है, पोलर बियर हॉर्स को चला रहा है, ये दिखाया गया भाई इसमें। भाई अब मैं चल रहा हूँ सेकेंड फ्लोर पे और सेकेंड फ्लोर का आप लोगों को दिखाते हैं चल के। भाई सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ अपने लिए क्लॉथ्स वगैरह, और देखो कुछ सस्ता मिल जाएगा तो ले लेंगे, क्योंकि रुपये तो है नहीं आपके भाई के पास, थोड़े रुपये डाल दो मेरे पास तो मैं खरीद लूँ कुछ। ऐसे घूमने चले हैं मुंह उठा के बिना रुपए लिए, बट अभी देखते हैं ऊपर चलेंगे तो ऊपर, या इसी वाले फ्लोर पे है तो इस वाले फ्लोर पे तो कुछ देखेंगे और लेंगे कुछ। ये है भाई सेकंड फ्लोर, ठीक है सेकंड फ्लोर पे। ये भाई देखो सारे शोरूम बने हुए हैं, पीटर इंग्लैंड और फ्लाइंग मशीन मुक्ति इस तरीके से पूरा मतलब। और ये यहाँ से देख लो फर्स्ट फ्लोर जो बेसमेंट वाला था वो ये था, ठीक है, और वो बेसमेंट के, हाँ बेसमेंट ये था, फर्स्ट फ्लोर ये है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये वही फ्लोर है। तो अभी इस वाले पे घूम रहे हैं, ये वाला कुछ इस टाइप का है, तो पहले इसमें पूरे में घूमते हैं। भाई मैं जितना आप लोगों को दिखा रहा हूँ केवल उतना नहीं है, अभी मैंने उस साइड का दिखाया, अब इस साइड का देख लो। अभी बेसमेंट में आप लोगों को दिखा रहा था वो सिर्फ उस साइड वाली दिखाई थी, मैं उस साइड पर था, और ये इधर देख लो बेसमेंट जो मैं अभी नीचे दिखा के आया, तो भाई बहुत बना हुआ है, मतलब इधर को ऐसी एरिया फिर ऐसी एरिया, तो अभी मैं उधर था तो वहाँ का दिखाया, अब मैं जा रहा हूँ इस साइड को, तो इस साइड पीछे तक देख सकते हो कितना बना हुआ है। तो भाई पूरा घूमेंगे, भाई वो एरिया दिखा दी फर्स्ट फ्लोर की, अब आ चुके हैं इस साइड पे, और एक एरिया ये इधर भी आती है, और यहाँ पे भी भाई वैसा मतलब पूरा फुल वैसा ही बना हुआ है यहाँ पे। भाई ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सही से, ये देखो भाई बेस्ट साइड और प्यूमा वुडलैंड बाटा एक्सेस भाई सारा कुछ इसमें, रेमंड एडिडास देख रहे हो भाई, मतलब पूरा कुछ है इसमें, एडिडास के शूज, और ये देखो अपनी क्रिकेट की टीम की जो ड्रेस है वगैरह ये सब चीज़ें भाई इसमें, ये सब भाई एडिडास का ही है पूरा, ठीक है। और ऐसे ही करके भाई सारे बने हुए हैं एक एक करके, मतलब जो भी दिखाया गया अब इसमें भाई केवल रेमंड का ही है, सब सब रेमंड के कपड़े वगैरह जो भी हैं इसमें सब कुछ रेमंड का मिलेगा आप लोगों को, ये देख सकते हो भाई। आपको भाई अभी आ चुका है सेकंड फ्लोर पे और अभी मैं यहाँ पे हूँ, और ये देखो नीचे देख लो एक बार, बेसमेंट फर्स्ट सेकंड, अभी इधर से आया था मैं
और यहाँ पे भाई ये देखो टेंट्स वगैरह, अभी उसी में जाएंगे, वहाँ पे भाई देखेंगे जाके अपने लिए कपड़े वगैरह कुछ। और ये देखो मदर केयर, बेबी हग, भाई यहाँ पे देख रहे हो बच्चों के लिए सब कुछ, केवल छोटे बच्चों के लिए ही है, इसमें सब छोटे बच्चों का ही दिया गया है, फर्स्ट मंथ से लेकर और ये 3-4, 5-6 मंथ तक के बच्चों के लिए इसमें दिया गया है। और ये बेबी हग, इसमें भी भाई वैसा ही है, सब छोटे बच्चों का ही, ठीक है। और ये रेड चीफ भाई, मतलब पूरा भाई इसमें सिस्टम ये किया गया है, जेड स्क्वायर में अपना एक एक शोरूम बना दिया गया। ये देखो वन प्लस का है यहाँ पे, ठीक है। इधर फोन फैक्ट्री, आईएफबी पॉइंट रफ, ठीक है। और उधर सब भाई शूज वगैरह का दिया गया है, एरफ फॉली वगैरह, और ये मतलब कपड़ों का और शूज का उधर दिया गया, रेड चीफ वगैरह का। और अभी इसके बाद चलेंगे ऊपर, तो भाई ऊपर कुछ खाएंगे पियेंगे चल के, तो वो भाई ऊपर का भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। भाई ऊपर बहुत ही बेस्ट बना रखा है, अभी तो मैं यहीं से देख रहा हूँ, अभी चलेंगे तब ऊपर का आप लोगों को दिखाएंगे। भाई सेकंड फ्लोर पे थे और भाई यहाँ पे मिल गई है सॉफ्टी वगैरह, तो यहाँ से ले रहे हैं भाई सॉफ्टी, और आपको भाई खाएगा सॉफ्टी यहाँ पे क्वालिटी वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बना रहे हैं अपने लिए, चॉकलेट में बन रही है, ये देखो रेडी की जा रही है, ये देख लो ये हो रही है अपने लिए रेडी भाई। तो ये अपनी आ चुकी है चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम, खाते हैं इसको भाई। यहाँ पे ले सब सकते हो, खा सब सकते हो, बट पता कब, जब आपकी जेब में पैसा हो भाई। महंगाई बहुत है, अब ये एक पड़ी है 70 की, ठीक है, इस कप में ये 70 की पड़ी हुई है भाई, अभी इसको खाते हैं। 140 की 2 आई हैं। तो भाई अभी टेंट वाले स्टोर में आ चुके हैं और भाई यहाँ पे देख रहा हूँ मैं टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह कुछ ठीक मिल जाए तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ मेरे बजट का। भाई ये टी शर्ट वगैरह ना, इनमें से मैं देख रहा था, और इधर साइड पे हैं लोअर वगैरह, और भी चीज़ें हैं उस साइड में, बहुत भाई बड़े स्टोर हैं, सारे स्टोर ऐसे ही हैं बड़े बड़े, तो इन्हीं में मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छा लगता है तो मैं लेता हूँ। फिर टेंट वाले स्टोर में कपड़े तो समझ में आए नहीं, तो अभी मैं अपने फ़ोन के कवर वगैरह देखता हूँ पीछे वाले पे इसी पे स्टोर पे, तो यहाँ पे भाई कवर वगैरह देखते हैं चल के। मैंने दिखाया था ना अभी फ़ोन फैक्ट्री, भाई इसमें कवर वगैरह देखते हैं, अगर कोई कवर वगैरह सही मिल जाता तो यहाँ से भाई कवर वगैरह लेते हैं। तो कई चीज़ें मेरे काम की भी चीज़ें हैं तो भाई इसमें से देख लेता हूँ मैं, देख रहे हो ये स्टैंड वगैरह, ये गिम्बल वगैरह, कई चीज़ें हैं तो भाई अगर मेरे काम की चीज़ें हैं मिल जाती हैं तो ले लेते हैं आपसे भाई। उस स्टोर पे मेरे को एक भी कवर समझ में नहीं आया, इतने महंगे कवर, लेदर बता रहा भाई, और इतना महंगा कवर, मैंने मेरे को नहीं चाहिए भाई इतने, मतलब इतने महंगे कवर, और कुछ भी नहीं उस कवर में भाई, मैंने तो वो नहीं लिया। और अभी भाई इस साइड पर जा रहे हैं, अभी सेकेंड फ्लोर पर ही है, और इस पर देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब भाई, इतना महंगा महंगा और समझ के बाहर, अच्छा भी नहीं लग रहा, समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन महंगा बहुत। वो कवर भाई बता दिया 500 रुपये का, मैंने भाई नहीं चाहिए मेरे को, इतने महंगे महंगे कवर हैं, बट देखने में अच्छा लग रहा है। वो थोड़े दिनों बाद जैसा अभी मेरा ये हो गया ऐसा ही वो भी हो जाता, तो इस वजह से मैंने कहा ये हमें चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए था लॉक वाला, लॉक वाला मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा ये मेरे को नहीं चाहिए भाई। थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं और इस वाले फ्लोर पे केवल खाने की व्यवस्थाएं हैं, और भाई किड्स वगैरह के लिए जो प्लेइंग की व्यवस्था है, सब मतलब बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं, और खाने की भाई यहाँ पे कुछ खाएंगे पिज्जा वगैरह। ये भाई फम सिटी नाम दिया हुआ है, ये किड्स के लिए है, और भाई टैको बेल, भाई ये देख रहे हो ना टैको बेल क्या है, वही जो भाई सॉफ्टी मिलती है घंटी बजा के देता है ना, वही वाला सिस्टम है इसमें। और यहाँ पे पूरा भाई खाने की व्यवस्था है, ये सब देखो खाने के लिए जो चीज़ें हैं वही हैं समास, और ये देखो इधर पैन फ्राइज वगैरह, मतलब ये बर्गर का है, और द चाक, ये सब चीज़ें भाई हैं। ये देखो भाई ये है भाई, यहाँ पे भाई सब व्यवस्थाएं की गई हैं बैठने वगैरह की, मतलब पूरा सिस्टम है यहाँ पे खाने पीने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिज्जा की तरफ, तो हम लोग खाएंगे पिज्जा, यही मैं दिखा रहा था आप लोगों को नीचे से, और अब ये देख लो ऊपर से कुछ इस टाइप का है, ऊपर से देख रहे हो पूरा पूरे में भाई केवल यही व्यवस्था है, सब पूरे में बैठने पे, कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी खाओ आराम से मस्त हो के, ये चीज़ है इस टाइप का कुछ, यहाँ पे भाई पूरे में केवल यही है, आराम से ऊपर बैठो कहीं भी बैठ के आराम से खाओ जो भी खाना भाई, सब चीज़ों के स्टोर बने हुए हैं। ये देखो पिज्जा हट, पिज्जा हट है, KFC है, ठीक है, बर्गर वगैरह का मतलब पूरा सब ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो बर्गर किंग, जो मतलब फेमस ब्रांड जो भी हैं, अपर ब्रांड जो हैं वो सारी ब्रांड। और एक बार ये देख लो
थर्ड फ्लोर से नीचे बेसमेंट तक का, देख रहे हो कुछ इस टाइप का भाई आता है। यहाँ पे हम लोग हैं, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट, और वे फिर वहीं पे जाना है। तो भाई थर्ड फ्लोर पे थे और यहीं पे बैठे थे, लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं, पिज्जा ऑर्डर कर दिया था और अपना पिज्जा अभी आ चुका है, तो आपका भाई खाने जा रहा है पिज्जा। और भाई पता है आज फुल फुल पिज्जा खाएंगे हम दोनों भाई। ये देखो भाई ये अपना पिज्जा रहा, एक ये और भाई कर रहा है रेडी इनको, तो भाई अभी खाते हैं पिज्जा। भाई मैं तो कभी रेडी करता ही नहीं, कभी आदित भैया से कराता हूँ, कभी किसी से, आज सत्यम भाई कर रहे हैं। केवल अपने को खाने से मतलब है और साथ में एक कोक, तो खाएंगे भाई फुल मस्ती। तो भाई पिज्जा वगैरह खा के आ चुके हैं नीचे और अभी लाइफस्टाइल वाले शोरूम पे हैं, और यहाँ पे भाई टी शर्ट वगैरह देख रहे, देखते हैं यहाँ पे पसंद आती है कि नहीं आती है। भाई मॉल से बाहर आ चुके हैं और यहाँ कुछ नहीं समझ में आया, सब इतना महंगा, हमारे लोगों के पास बजट नहीं था। हम लोग जा रहे हैं वापस, तो अपनी पार्किंग में आ चुके हैं, बाइक लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और अभी जाएंगे थोड़ी देर के लिए बुआ जी के यहाँ पे, तो अभी सीधा घर पे ही जा रहे हैं। भाई मॉल से आके मैं चला गया था बुआ के यहाँ पे, और फिर थोड़ी देर बुआ के यहाँ पे रहे लगभग एक घंटे, और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अभिषेक और सत्यम रह रहे हैं वहाँ पे, तो अभी जा रहा हूँ ऊपर और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। बाकी मैं इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड कर रहा हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।